20 दिनों तक टिकने वाली सूजी की बर्फी यानी रवा बर्फी बनाने के लिए कढ़ाई में 4 चम्मच घी डालें। उसमें 1 कप सूजी यानी 200 ग्राम रवा डालकर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भुनें। जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका मावे जैसा टेक्सचर एंड फ्लेवर आएगा। इसे निरंतर चलाते रहे और ध्यान रहे कि सूजी का रंग ज्यादा न चेंज हो। सूजी ने घी ऑब्जर्व कर लिया है। अब गैस को बंद कर दे। अब इसमें 2 चम्मच मलाई वाला दूध डालकर बढ़िया से मिक्स कर दे। अब गैस पर एक पैन रखकर उसमें 1 कप चीनी डाले, यानी सूजी और चीनी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। उसमें 1/2 कप पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर पकाए। इसकी लगभग आधे तार की चाशनी बनाए। अब सूजी का पैन गैस पर चढ़ाए, उसमें थोड़ी थोड़ी चाशनी मिलाकर लो फ्लेम पर पकाए। उसमें थोड़ा सा घी डालकर मिक्स करें। एक परात को घी लगाए और जैसे ही सूजी कढ़ाई छोड़ने लगे इस मिश्रण को परात में फैला दे। उस पर पिस्ता कतरन और बादाम कतरन डालकर गार्निश करें। अब इसे 1/2 घंटे के लिए सेट होने रख दीजिए। 1/2 घंटे बाद आपकी मनपसंद आकार में बर्फी काट ले। सूजी की बर्फी यानी रवा बर्फी तैयार है।